लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अक्षत मात्र से देवी माँ हर लेती हैं बकरे की प्राण और फिर वही अक्षत लौटा देता है बकरे का प्राण। आपको बता दें कि राजधानी पटना से 200 किलोमीटर दूरी पर कैमूर भभुआ में एक कैसा भी मंदिर है जहां बकरे की बलि जान लेकर या फिर काटकर नहीं बल्कि देवी माँ के फूल और अक्षत द्वारा दी जाती है बकरे की बलि। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के कैमूर जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर भगवानपुर प्रखंड के रामगढ़ पंचायत स्थित पवरा पहाड़ी पर स्थित विराजमान माता मुंडेश्वरी का भव्य एवं पौराणिक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई मन्नत माँ मुंडेश्वरी अवश्य पूरी करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, दूर दूर तक फैली है मंदिर की ख्याति। जी हाँ, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं श्रद्धालु। सालों भर यहाँ मुंडन विवाह सहित शुभ कार्य होते हैं। नियमों के अनुसार शारदीय नवरात्र या फिर चैत्र नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रहती है। हालांकि मंदिर के प्रधान पुजारी उमेश मिश्र बताते हैं कि इस देवी माता के मंदिर में बकरे की बलि सर काटकर या हत्या करके नहीं की जाती है बल्कि इस मंदिर में भक्तों के मनोकामना पूर्ण हो जाने पर बकरे की सात्विक बलि चढ़ाई जाती है। बकरे की बलि, बकरे को देवी माँ के स्थान पर लिटा दिया जाता है और फिर वही माँ के अक्षत व फूल बकरे पर अर्पित किया जाता है। अक्षत फूल स्पर्श करने मात्र से बकरा उसी समय अचेत मृत समान बेहोश हो जाता है। फिर वही अक्षत और फूल बकरे पर दोबारा पुजारी द्वारा छोड़ा जाता है तो वही बकरा फिर उठ खड़ा हो जाता है। यही है जिंदा बलि की वर्षों पौराणिक परंपरा। फिर इस देवी माँ को चढ़ाया गया बकरा को कान काट कर छोड़ दिया जाता है या फिर भक्त उसे अपने घर भी ले जाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करते हैं।